नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं राखी शर्मा आज आपकी टेस्टी रसोई में लेकर आई हूँ आपके लिए एक सुपर डुपर हेल्दी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में अक्सर चावल बच ही जाता है, तो हम सोचते हैं अब इसका क्या करें। तो मेरे घर भी चावल बच गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक हेल्दी सा नाश्ता बनाया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो मैंने यहाँ एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है और उसमें एक कप चावल ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, आप थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं अगर आपके पास ज्यादा बच गया है। मेरे पास इतना ही था तो मैं इतना ही ऐड कर रही हूँ। इसमें ऐड करूंगी एक कप सूजी, सूजी मोटी वाली यूज करेंगे। अब इसी कप से इसमें ऐड करूंगी एक कप दही और इन सारी चीजों को मिक्स करके एक मिक्सी के बाउल में ट्रांसफर करके फाइन सा पेस्ट बना लेते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, पानी आपको ज्यादा ऐड नहीं करना है। मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ एक चम्मच सोडा, मीठा सोडा जो होता है ना खाने वाला, वही। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, नमक कम ही डालेंगे क्योंकि हमारे चावल में भी थोड़ा सा नमक होता है। और हमारे मिक्सिंग जार में थोड़ा सा पानी डाल लिया था, उसको थोड़ा सा ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए, जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है, हम एक चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी के लिए हमें चाहिए धनिया पत्ती, मूंगफली दाने, ग्रीन चिली, करी लीव्स और कुछ नारियल के टुकड़े। और इसी के साथ ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा काला नमक और नींबू का रस और इसका एक फाइन पेस्ट। तो ये लीजिए, हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके लिए थोड़ा सा तड़का बनाएंगे। यहाँ हमने एक तड़का पैन में ऑयल डालकर गरम कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी खड़ी लाल मिर्ची, मीठी नीम जिसे हम करी पत्ता भी कहते हैं, सरसों के दाने और थोड़ी सी हींग डालकर तड़का लगा देंगे और हमारा ये तड़का ये हमारी चटनी में डाल देंगे और हमारी चटनी भी बिल्कुल रेडी है। तो फाइनली हमारे डो ने रेस्ट कर लिया है। अब मैं इसमें कुछ वेजिटेबल ऐड कर रही हूँ कलर के लिए, जिससे बहुत सुंदर कलर आता है। मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा गाजर, ग्रेटेड हरा धनिया, चिली फ्लेक्स, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। आपके पास अगर और भी सब्जियां हो तो आप इसे वो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो चलिए अब हम बनाते हैं अपनी डिश। गैस की फ्लेम को ऑन करके उस पर एक तवा रख दिया है। आपको इसमें नॉनस्टिक तवे की जरूरत पड़ेगी तो वो मैंने रख दिया है। चलिए चलते हैं हमारी गैस की तरफ। अपने तवे को हम अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और ऐसे कपड़े से इसे साफ कर लेंगे। गैस की फ्लेम को स्लो ही रखेंगे और ये जो हमारा बैटर है इसको हल्के हाथों से इस पर स्प्रेड करके इस तरीके से फैला देंगे। ये देखिए, बहुत ज्यादा पतला या बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखना है, इसको नॉर्मल ही रखना है। थोड़ा सा पकने पर इसे ऑयल से ग्रीस करेंगे। ये देखिए, हमारा डोसा बिल्कुल सिकने लगा है। अब हम इस पे हल्का हल्का सा ऑयल ग्रीस कर देंगे और इसे कुरकुरा होने तक सिकने देंगे। और इसी तरह
हम अपने सारे डोसे तैयार कर लें। ये देखिए हमारा डोसा कितना अच्छा सिक गया है। अब हम इसे उतार लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा हेल्दी फूड तो बिल्कुल तैयार है। आप भी इसे जरूर बनाइए और ट्राई कीजिए और मुझे बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।